गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब? तो हम सब तो अपने घर में बिल्कुल ठीक है। तो अभी मैं बस नहा के निकली हुई हूँ। तो अभी मैंने लास्ट में नहाई हूँ, पहले कपड़े धो रही थी। तो दादी माँ, मम्मी जी, मतलब मेरे सासू माँ वर्णित को लेकर गए थे आज आंगनवाड़ी। उसका फर्स्ट डे था, तो देखते हैं वर्णित ने आंगनवाड़ी में क्या किया है। मैंने कहा था मम्मी को कि अपने फ़ोन में वीडियो बना लेना, मैं बाद में उसको एडिट कर लूँगी, कोई बात नहीं। तो देखते हैं कैसे बनाई ये मम्मी ने वीडियो, बनाई भी है या नहीं। अगर नहीं बनाई है तो मैं कल आंगनवाड़ी खुद लेके जाऊंगी वर्णित को। तो देखते हैं क्या करता है वहां पे। टीका टीका घोड़ा, घोड़े की धुम पर बोल पढ़ना, कोई ना, शाबाश। हाँ, सी फॉर कैट, ये देख, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, वन टू कर, वर्णित, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। देख गाड़ी, गाड़ी कहाँ है, कहाँ है गाड़ी? नहीं करते, मुंह में नहीं डालते। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है हमारी नानी की बरी, तो बस मुझे अभी कपड़े लगाने रह गए। वर्णित को मैंने रेडी कर, तो बस अभी 10 बजे निकलना है, तो मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। यहाँ देखो मम्मा, ये देखो बरू बिल्कुल रेडी है। तो अभी मैं तैयार हो जाती हूँ, तो उसके बाद आपको बताती हूँ। ओके, बाय बाय। और अभी हम सब पूरा परिवार निकल गए हैं पोखरी के लिए, डवरैणी में, जहाँ की हमारे छोटे मामों का घर है, वहीं पे ही है आज बरी। तो पूजा है और बाद में सबको भोजन कराया जाता है, तो बस वहीं जा रहे हैं। अभी हम लोग पहुँच गए हैं बनीखेत मार्केट। बस बनीखेत से 10 मिनट का रास्ता है और पहुँच जाते हैं हम लोग पोखरी। तो आज संडे है, तो मार्केट भी आज बंद है। ये है हमारा बनीखेत चौक, जो कि है पठानकोट टू चंबा हाईवे। तो वहीं पे बस यहीं से रास्ता ऊपर की तरफ मुड़ जाता है पोखरी के लिए। तो आज हमारी नानी को मरकर हो गए हैं पूरे 1 साल, और वहाँ पे है पूजा, और उसके बाद करवाया जाता है भोजन। और नानी जो कि हमारे थे, वो 98 ईयर्स ओल्ड थे। और रास्ते में जाते जाते वनीत को दिख गई है, यहाँ पे है सब्जी की दुकान साथ में छोटी सी, और दिख गया है इसको, पहले कह रहा है एप्पल, अभी दिख गया है बनाना। तो बस यहाँ पे है, गाड़ी लगी हुई है, वन वे है, तो इसलिए थोड़ा सा जाम तो रहता ही है। लिंक रोड है गाँव का, तो पता ही है आप लोगों को किस तरह से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे गाड़ी फंस गई है, बस जैसे ही गाड़ी निकलेगी हम लोग पहुँच जाएंगे पोखरी में। और पोखरी से थोड़ा सा नीचे चल के है हमारे सबसे छोटे मामों का घर, और बाकी जो मामों के घर है वो ऊपर ही हैं, रोड के साथ हैं, तो उतना दिक्कत नहीं रहती है। यहाँ पे हमें नीचे जाना होगा चलकर, और बस यहाँ से हमारी गाड़ी निकल गई है, अभी हम लोग जाएंगे ढवरैनी। तो यहाँ पे सबसे पहले जाते जाते तो पता ही है, खाली हाथ तो नहीं जाना है, तो कुछ ना कुछ लेके जाना है। और जो कि मरे हुए हैं, तो उनके नाम पे कुछ ना कुछ वहाँ पे रखते हैं जहाँ पे पूजा हुई है। तो ये हमने दुकान से कुछ चीज़ियाँ ले ली है, ये है पोखरी की छोटी सी दुकान, और हम लोग अभी जाएंगे रास्ते से। बड़ी शराती कर रहे हैं, तो बूजी उसको लेके चले गए। तो अभी ये लोग दुकान पे, कहाँ जा रहा है बेटा वो देख, चलो 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 चलो, आजा गोदू, आजा गोदी में आजा, चलो वनीत को ले लेती हूँ। और वो है मामू का घर, वहाँ पे जाना है अभी हमें, और ये रास्ता है, तो चलिए चलते हैं।
ये जो घर है ये वाले भी मामू के ही हैं मानो, और यहीं से रास्ता जाता है जो मेरे सबसे छोटे मामू हैं, जो मतलब सबसे पुराना घर उनका वहीं था, नानी की डेथ भी उधर ही थी। अरे बस यहाँ से जाने के लिए ये जंगल हो के रास्ता है, गुच्छियाँ होगी ये सब चीज़। और बनी देखो अपने आप ही बड़ी मम्मा के साथ जा रहा है, ये देखो नेचुरल वाटर, ये है गाय का पीने का और यहाँ पीते हैं आदमी। तो टाइल टूल लगा के अच्छा बना दिए, फूल निकले अभी, फूल बड़े अच्छे लगते हैं इसमें, गोभी फूल। चल आना मैं यहाँ से जाता हूँ, पत्ते के बीच में तो फिसल गया, गिल्ला क्यों हो गया, ये पसीना पसीना बड़ा है मामू, बस बड़ी हो कौन छोटे मामू, निकल आना रास्ता। नमस्ते मामू, मासी हवन वगैरह किया है। ब्रेकफास्ट और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मियाँ गर्मी चल रही है, तो अभी आपको दिखाता हूँ साइड से मैं, ये देखो ये इधर बहुत सारी गर्मी है, यहाँ भी मेरे दादू है, वो अभी आपको आगे जाके दिखाते हैं। इधर ये है और वहाँ पे जैसे किचन है। और गाइस बाय जा रहे हो, नीता नीता लेते हुए मैं मुझे दिया काम, देखो छोड़ी दिया तू अपना काम है। ना उठ गया है इन्ने का, कहा खुद खिलाने पर नहीं बैठ, उठ गया गोद में। अरे नमस्ते आशु, ठीक है। खाना खाने के बाद हम लोग निकल जाएंगे घर की तरफ, और घर जाते जाते मुझे रास्ते में वर्णित के बाल भी कटवाने हैं बस स्टैंड पे, वहाँ पे बहुत अच्छा नाई है तो वहाँ पे बाल कटवाऊंगी। और बस निकल गए ठंडा हो गए घर की तरफ वापसी, और चाची ने कहा कि यहाँ पे ठंडा पानी पी लेते हैं, तो इसीलिए हम लोग ठंडा पानी पीने लग गए। और स्पेशली ग्लास भी रखा हुआ है यहाँ पे, जो लोग इस तरह से नहीं पी पाते हैं तो वो बैठ कर आराम से गिलास में पी सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग घर की तरफ वापस, बाय बाय।
और अभी हम लोग बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद हम लोग चले जाएंगे सीधा घर, और आज मुझे वर्णित के बाल भी कटवाने हैं, तो जाते जाते उसके बाल भी काटेंगे। और अभी हम लोग जा रहे हैं घर, और जाते जाते ठंडा पानी पी लेते हैं, और चाची पी रहे हैं पानी, उसके बाद मैं पीऊँगी। यहाँ पे गिलास भी रखा हुआ है पीने के लिए, और गर्मी तो बहुत तेज़ गर्मी है।